अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में हम मीडिया और ख़वातीन के हवाले से दो पहलुओं पर बात करेंगे। एक तो ये कि हमारे यहाँ मीडिया यानी अखबारात और रसाइल, रेडियो और टेलीविज़न वग़ैरह में ख़वातीन को किस तरह पेश किया जाता है, दूसरा ये कि मीडिया ख़वातीन पर क्या असरात मुरतब करता है। मैं पहले ही कहती थी ये लड़की मंगूस है, देख लिया ना, सारी बरादरी में हंसी उड़वा दी। अम्मा माफ कर दो। चल हट दूर हो यहाँ से। अरे वाह, इसे क्यों डांट रही है? ठीक है, आपने नहीं रखना तो ना रखे, मैं इसे अपने साथ घर ले जाती हूँ, अम्मी रख लेंगी, यहाँ से तो बहुत अच्छी रहेगी। मियाँ जी, इसके आप फिक्र न करें, बिल्कुल, इसलिए कि तो मेरे एतबार के लोग। एतबार के बंदे को बेटा बेवकूफ नहीं होना चाहिए, इनसे तो मेरे कुत्ते अच्छे हैं। एक दफा शिकार की बोस हो गए, कबर की कंध तक उसका पीछा करते हैं, और दफा करन के बूथे मेरे सामने से। ओहो लाइपा लाइपा, मेरी शादी हुई है तुमसे और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। और जब इंसान खुश होता है तो यूं जोर से हंसता है, तो उसमें क्या हो गया? क्यों, तुम्हारी मुझसे शादी नहीं, मैं खुश नहीं क्या? हाँ? अरे तो बाबा तुम भी जोर से हंसो, तुम्हें किसने मना किया है? देखो मैं तुम्हारी तो दांत निकाल के निकल सकती हूं। देखो अच्छा अच्छा, प्लीज प्लीज, अच्छा मुझे माफ कर दो, प्लीज देर हो रही है, बाबा जानी इंतजार कर रहे होंगे। सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है बेटा, बस ये ख्याल रखना कि हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ है। मामा, आपने रमीज के इनकार के बावजूद शादी क्यों की? नहीं बेटा, वो तो राजी हो गया था। मामा आप जाए। हमारे मुस्बत और मनफी किरदार की वज़ाकता की अफजाइश में मीडिया एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारे सकाफती वर्से को महफूज रखने और इसमें मुस्बत तब्दीलियाँ लाने में भी मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया एक कैटलिस्ट यानी अमल अंगेज़ का काम देता है, इससे माशरे में बहुत तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। मीडिया एक सकाफती क़ुव्वत है जो ना सिर्फ माशरती हकीकत यानी सोशल रियलिटी की अक्कासी करता है, बल्कि लोग अपने आप को मीडिया पे दिखाए जाने वाले चंद किरदारों से आइडेंटिफाई या मंसूब करके अपनी नफसियाती ज़रूरियात को तस्कीन पहुंचाते हैं। अभी दिखाई जाने वाली मिसाल में एक पेचीदा सा नफसियाती अमल समझाने की कोशिश की जा रही है। इस मिसाल को गौर से देखिएगा और आइडेंटिफिकेशन के अमल को समझने की कोशिश कीजिएगा। हेलो जी सर, भेज रही हूँ मैं। जी हाँ प्लीज़ आप जल्दी जाइए ना। जी जा रही हूँ। मैं कम इन सर। हाय, आप कहीं मेरी सेक्रेटरी तो नहीं लगे? अरे वाकई ईमान से अब मजा आएगा काम करने का, खुदा की कसम खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो सुनिए, आपको टेबल वेबल लगाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इसी टेबल पे काम कर लेंगे। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी खुशफहमी है सर। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है कि बरसती बूंदों में दूर तक निकल जाऊं, फिर मुझे बिजली से भी डर नहीं लगता। मैंने तो कभी होने ही नहीं देना। कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आइडेंटिफिकेशन के अमल में इंसान इमेजिनेशन या तसव्वुरात की सतह पर किसी इवेंट में हिस्सा लेना शुरू करता है और फिर फीलिंग्स या एहसासात और अमल या एक्शंस के ज़रिए एक रिश्ता कायम कर लेता है। ये तरीक़ा ना सिर्फ आइडेंटिफाई किए जाने वाले किरदार की तकलीद यानी इमिटेशन और मॉडलिंग करने में, बल्कि अपने बिहेवियर के लिए रीइंफोर्समेंट या मुकव्वी की ज़रूरत भी पूरी करता है। इंसान अपनी शनाख्त, एहसासात और अमल यानी कॉग्निशंस, फीलिंग्स और एक्शन को दुनिया में मौजूद चीज़ों के हवाले से देरपा बनाकर अपने सिस्टम के तौर पर ऑर्गेनाइज करता है तो एटीट्यूड्स बनते हैं। एटीट्यूड के तीन तरकीबी जुज़ यानी कॉग्निशंस,
फीलिंग्स और एक्शंस दरअसल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। फीलिंग्स और एक्शंस किसी चीज़ के बारे में होने वाली कॉग्निशंस को असरअंदाज करती हैं और जवाबी तौर पर कॉग्निशंस में तब्दीली वकूअ पज़ीर होती है। इसी चीज़ से जुड़ी दोनों चीज़ें यानी फीलिंग्स और एक्शंस को भी बदल देती हैं। एटीट्यूड के कॉग्निटिव जुज में चीज़ के हवाले से इंसान का अकीदा या बिलीफ शामिल होता है। एटीट्यूड सिस्टम में मौजूद सबसे ज़्यादा तनकीदी कॉग्निटिव जुज इवैल्यूएटिव बिलीव्स हैं जो किसी चीज़ को अच्छी या बुरी निस्बत देते हैं। एटीट्यूड का दूसरा तरकीबी जुज यानी फीलिंग है जो कि किसी चीज़ के बारे में जज्बात की इत्तला देता है, मसलन किसी चीज़ की पसंदीदगी या नापसंदीदगी। एटीट्यूड के तीसरे तरकीबी जुज यानी एक्शन कॉम्पोनेंट में किरदार साजी की पूरी आमादगी मौजूद होती है। आज के प्रोग्राम में हमने डॉक्टर सीमा परवेज़ एसोसिएट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कायद आज़म यूनिवर्सिटी से बातचीत की है, आइए इनकी आरा से मुस्तफ़ीद होते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे पहला सवाल है कि जेंडर रोल एटीट्यूड की फॉर्मेशन में मीडिया का क्या अमल दखल होता है? मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट हथियार है किसी भी माशरे में एटीट्यूड्स बनाने के लिए, एटीट्यूड्स चेंज करने के लिए, अपने पसंद के मुताबिक जो लोग हैं, जो पावर में लोग हैं, वो अपनी पसंद के मुताबिक मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उस मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए जो ख्वातीन का स्टेटस है, जो ख्वातीन की पोजीशन है, उसको में रद्दबदल ला सकते हैं मीडिया के ज़रिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जेंडर रोल्स एक दिन में नहीं बनते हैं, जेंडर रोल्स साल हर साल की ट्रेडिशंस के साथ इमर्ज करते हैं और जो कुछ हमने देखा होता है, जो कुछ हमने अपने बड़ों से सीखा होता है, जो कुछ हमने इर्द गिर्द के माहौल में देखा होता है, उन सब का असर जेंडर रोल्स में पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर कहा जाए जेंडर रोल्स को इन्फ्लुएंस करने वाला, तो वो मेरे ख्याल में मीडिया है, बोथ इन ए पॉजिटिव एंड इन ए नेगेटिव सेंस। माशरे पर और बिलखसूस ख्वातीन पर मीडिया का कितना असर पॉजिटिव होता है और कितना नेगेटिव, इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल कैटेगोरिकली करना मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ को मैं पॉजिटिव समझ रही हूँ वो किसी और को वो नेगेटिव नज़र आ रही हो, और जो दूसरे लोग पॉजिटिव समझते रहे हैं वो मुझे नेगेटिव लगती है। तो इस तरह मैं कैटेगोरिकली तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये मैं कहूँगी कि मुख्तलिफ अदवार में मीडिया का जो किरदार रहा है ख्वातीन को रिप्रेजेंट करने का, वो मुख्तलिफ रहा है। वो मीडिया जो कि ख्वातीन को पसंद आता है, उसके दो रोल होते हैं। एक तो पसंद वो इसलिए आता है कि वो उन जैसा है, और क्योंकि वो पसंद आता है इसलिए वो उन जैसा बनना चाहती हैं। यानी मीडिया का यहाँ पे मुझे दो रोल नज़र आते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन का और एक उनको एक तरह का सीखने का, एक उनके लिए रोल मॉडल का, है ना। तो मीडिया के यहाँ पे दो रोल थे, एक आइडेंटिफाई करने के लिए और एक रोल मॉडल बनने के लिए। तो वो जो उस वक्त मैंने देखा, जो औरत अभी भी वो औरत घुमी नहीं है, अभी भी वो आपको टीवी में बहुत नज़र आती है, जो कि बहुत ही एफिलिएशन चाहती है, जो कि बहुत ही सबमिसिव है, जो लेकिन ये मैं कहूँगी 80s में ये बहुत ज़्यादा था। 80s में इट वाज अ रेयर एग्जांपल कि एक डोमिनेटिंग औरत एक काम के लिए काम करने वाली औरत दिखाई जाए। लेकिन अब तब्दीली तो आ रही है, काफ़ी तब्दीली आ रही है। इसमें औरत को इक्वल पार्टनर के तौर पे दिखाया जा रहा है, इनमें बहुत सारे ड्रामे ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि वीमेन बेस्ड हैं, जिसमें वीमेन इश्यूज़ के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है ना, कि यानी सेंट्रल कैरेक्टर है, औरत के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को देखा जा रहा है, फैमिली को औरत के पर्सपेक्टिव से। मर्दों के एटीट्यूड फॉर्मेशन में मीडिया का क्या रोल रहा है? मतलब सेम गोज फॉर मैन आल्सो, क्योंकि मर्द भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। और लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि मर्दों के बारे में मीडिया, ख़ासतौर से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो इतना इन्फ्लुएंशियल इतना ज़्यादा नहीं, इन्फ्लुएंशियल है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, दो तीन वजूहात से। नंबर एक, कि
देखा ये गया है, रिसर्चेस भी हुई हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन भी है, आप इससे एग्री करोगे मुझसे, कि ख्वातीन ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं मीडिया में, क्योंकि उनकी होम बाउंड एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, इवनिंग्स उनकी घर में गुजरती हैं, जो मेजॉरिटी जो है वो घरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, फिक्शन में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, और टेलीविज़न पे म्यूज़िक और फिक्शन ज़्यादा होता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमारी ख्वातीन में लिटरेसी रेट कम है, वो प्रिंट मीडिया की तरफ इतना नहीं जाती हैं, नंबर दो बात। और तीसरी बात ये है कि मेजॉरिटी जो है औरतों की वो पेड वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, और उसका बहुत सारा वक्त इस तरह की नॉन पेड एक्टिविटीज़ में गुजरता है, जिसमें घर के डोमेस्टिक घर कामों के साथ साथ वो मीडिया भी सुनती रहती हैं, रेडियो सुनती रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं, और उससे इन्फ्लुएंस होती रहती हैं। यानी मीडिया ख्वातीन के मुख्तलिफ किरदार को मनवाने या एक्सेप्ट करवाने का रोल अदा कर सकता है। पहली बात यह है कि जो मीडिया वाले लोग हैं, जब उनको क्रिटिसाइज़ करें और उनको कहा जाए कि भाई आप ख्वातीन को किस तरह पेश करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए, तो वो यही कहते हैं कि नहीं जी, हम तो वही दिखा रहे हैं जो कि माशरे में है। ठीक है, आई एग्री कि हमारी ख्वातीन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी हैं जो कि अर्ली 90s में या लेट 80s में जैसा कि TV पे दिखाया जा रहा था, लेकिन जो मीडिया है उसका डबल रोल होना चाहिए। एक तरफ उसको वो चीज़ें दिखाना चाहिए जिसके से साथ आपकी ऑडियंस आइडेंटिफाई कर सके, मगर दूसरी तरफ आपको वो दिखाना चाहिए जो कि डिज़ायर्ड इमेज है। डिज़ायर्ड इमेज जब तक आप नहीं दिखाएंगे, तब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा, और जब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि मीडिया के इस वक्त हमारी बदकिस्मती ये है, जब मैं मीडिया कहती हूँ तो इसके मतलब मैं ऐसे को एक्सक्लूड कर रही हूँ जो इस ज़ुमरे में नहीं आते हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। कुछ बहुत अच्छी प्रोडक्शंस हो रही हैं, कुछ बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में आप वही कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम है, उसी को आप परपेचुएट कर रहे हैं। वो एक हमारा विशेष सर्कल बना हुआ है कि जो हम देखते हैं वैसे हम बनने की कोशिश करते हैं, जैसे हम हैं वो हमें मीडिया दिखाता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो मैंने पढ़ा था वो तुम्हें पढ़ा दिया, जो तुमने पढ़ा वही तुम अपने बंदों को आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, तो फिर तो नॉलेज की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि मैंने जो अपने ज़माने में पढ़ा था उससे अब मैं ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँ, कुछ और सीखूं, और फिर मैं तुम्हें कुछ और पढ़ाऊं, और फिर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था तुम उसमें कुछ ऐड करो, फिर तुम आगे जाके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। मीडिया एक बहुत ही ताकतवर मीडियम है, क्या इसी मीडियम ने औरत को महज नुमाइशी सिंफ या एग्जिबिशनिस्ट सेक्स बनाकर नहीं रख दिया? औरत न्यूज़ मेकर नहीं नज़र आ रही है, आप पूरे देख ले, विजुअल्स देख ले सारे, आपको हार्डली कहीं नज़र आती है। लगता क्या है कि दिस इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। शोपीस बनकर नुमाया होने में ख्वातीन का कितना कसूर है? वेल, ख्वातीन का कसूर ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है इस बात को, उसके ख़िलाफ़ नहीं उठी हैं, और ख्वातीन का कसूर ये है कि उन्होंने ऐसे मर्द पैदा किए जो कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं, ऐसे चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ही मर्द पैदा किए हैं, ये कहीं आसमान से तो नहीं आए हैं। तो मतलब दोनों का कसूर है, औरत को भी मैं कसूरवार ठहराती हूँ, जैसे अगर जुल्म हो रहा है तो जालिम भी कसूरवार है और मज़लूम भी कसूरवार है कि उसने पहले ही दफ़ा हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया जुल्म करने वाले का। इस सिलसिले में मर्द हजरात क्या कर सकते हैं? मर्द हजरात को एक तो ये मुझे कहना होगा कि उन्हें थ्रेटन ना फील करें। एक ये बहुत ख्याल है कि अगर औरत निकल आई, अगर औरत को बराबर की नुमाइंदगी मिल गई तो बहुत ही कोई अजाब आ जाएगा और तूफ़ान आ जाएगा। हम मिसाल ले सकते हैं असेंबलीज़ में जो सीट्स जब 30% करने की बात की गई थी, मतलब कितनी रेजिस्टेंस रही है, कितने साल तक रेजिस्टेंस रही है। लगता था कि जैसे कि अगर औरतें बाहर निकल के आके बैठ गई असेंबली में तो घर उजड़ जाएंगे, बच्चे सड़कों पर रुल जाएंगे और हाहाकार मच जाएगा। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सामने बहुत सारी औरतों की मिसालें हैं जो कि एक बाज़ाब्ता तौर पे
अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे ज़िंदगी गुजार रही हैं और बहुत अच्छी तौर पे उनके बच्चे भी बड़े कामयाब और एक मौजूद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं होती है कि अगर औरत काम पे आ जाए या औरत किसी भी किस्म के पॉलिटिक्स में आने वाले मर्द भी बुरे हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में आने वाली औरतें भी बुरी हो सकती हैं, टीचिंग में आने वाले मर्द भी घर को इग्नोर कर सकते हैं, टीचिंग में आने वाली औरतें भी घर को इग्नोर कर सकती हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि मर्द को जन्म देने से लेकर परवरिश करने तक में औरत का ही हाथ है, लेकिन आज एक वर्किंग वुमेन घर में मौजूद नहीं है और 8 से 12 घंटे माँ की जगह मीडिया थर्ड पेरेंट की हैसियत से मौजूद है, तो इसमें माँ और मीडिया का कहाँ और कितना किरदार मौजूद है? हाँ, मतलब ये बात में बहुत अच्छा पॉइंट मुझे याद दिलाया कि ये जो ख्वातीन का पोर्ट्रेल हो रहा है उससे ना सिर्फ ये कि ख्वातीन की जो सेल्फ इमेज है, जो सेल्फ़ एटीट्यूड्स हैं सेल्फ के बारे में, वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, बल्कि आने वाली नस्ल बहुत मुतासर हो रही है। यानी वो कल अपनी, जब वो औरत पे वायलेंस होता हुआ देखिएगा आप, जो बच्चा आज, तो कल उसे अपनी बीवी को मारते हुए शायद इतनी हिचकिचाहट नहीं होगी, शायद उसको अपनी माँ को गाली दे के और उससे पैसे छीन के भागने में शायद इतनी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि उसने अगर बचपन में जो अकेले में बैठ के एज ए थर्ड पेरेंट वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करता रहा है और उसमें सटल लेवल पे उसको ये कम्युनिकेट होता रहा है। क्योंकि ये तसव्वुर अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, ये बच्चों के प्रोग्राम है, ये बड़ों के प्रोग्राम है। आई डोंट एग्री विद दैट। हमारे मेजॉरिटी के घरों में इतनी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं होती है कि हम ये कहें कि चलें कार्टूनों का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बच्चों जाओ अपने कमरों में, ना ऐसे कर रहे हैं, ना इतने वाटर टाइट प्रोग्राम्स होते हैं, ना इतने टाइमिंग्स के हमारे यहाँ स्केड्यूल इतना प्रॉपर होता है, और ना हम इतनी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करने को पसंद करते हैं। क्या मीडिया का इतना एक्सपोजर बच्चों के लिए ठीक है? बच्चों के लिए नहीं ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि मीडिया में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि उसमें से बच्चे अपने कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से चीज़ें पिक कर सकें। क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसएग्री, मतलब बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करती कि बच्चों को सिर्फ बच्चों के प्रोग्राम ही देखना चाहिए। मीडिया पर कंट्रोल के लिए माँ की रोक टोक कहाँ तक हो सकती है? मीडिया के बजाय बच्चों के साथ माँ का वक्त गुजारना कितना कीमती है? मीडिया को सब्स्टिट्यूट ऑफ पेरेंट्स ना समझा जाए। मतलब जो बात वन टू वन इंटरेक्शन की है ना, वो मास मीडिया की नहीं है। और जो मास मीडिया के ज़रिए जो प्रोड्यूसर जो कहना चाह रहा है बच्चे को, मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि 15 मिनट की जो वन टू वन पेरेंटल इंटरेक्शन है, दैट शुड बी मच मोर इफ़ेक्टिव देन ए वेरी गुड प्रोग्राम ऑफ ए वेरी गुड प्रोड्यूसर ऑन मास मीडिया। अच्छी पेरेंटिंग करें और क्वालिटी टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के सर पे सारा दिन आप सवार रहे हैं। बच्चे को फ्रीडम हो, बच्चे को इंडिपेंडेंस हो, लेकिन जो आप क्वालिटी टाइम करोगे ना, उसमें आपके दानिस्त में जो वैल्यू सिस्टम है वो बच्चे का इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो जो मीडिया है वो उसको खुद फिल्टर कर सके। जैसे अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि नाले में से या पीछे से जो पानी आ रहा है वो सारा साफ हो, लेकिन हम अपने घर के नलके में फ़िल्टर लगा लेते हैं, तो वो पानी फिर हम फिल्टर से साफ़ करके ग्लास में पीते हैं, तो होपफुली उसमें हमें इन्फेक्शन नहीं आएगा। तो इसी तरह जो मास मीडिया है, इट्स ए बिग चैनल। तो जैसे मैंने पहले भी कहना चाहा था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका फ़ैसला कैटेगोरिकली करना मुश्किल है। कोई चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, मेरे लिए बुरी हो सकती है। कोई चीज़ मेरे वैल्यू सिस्टम में फ़िट इन होती है, तुम्हारे वैल्यू सिस्टम में नहीं फिट इन होगी। तो जब हम मास मीडिया कहते हैं तो इट कैन नेवर सेटिस्फाई द होल नेशन। इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है, लेकिन हर औरत तक इंफॉर्मेशन मीडिया के तमाम ज़रियों से नहीं पहुंच रहा है। मसलन कुछ ख़वातीन रिसाला नहीं पढ़ सकती, कुछ के पास टीवी की सहूलत मौजूद नहीं है। इसके अलावा औरत तक इतनी ही इंफॉर्मेशन पहुँच रही है जितनी के मर्द पहुँचाना चाहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मीडिया जो है वो इट इज़ वन ऑफ द सोर्स, ठीक है, और मीडिया के लेवल पे भी हम मर्द औरत की
क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं कर सकते कि मोस्ट ऑफ द मीडिया, हम वो कहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न में बहुत सारी ख़वातीन हैं, आपको एक्टर्स बहुत सारे नज़र आते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग जो है इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मर्दों के हाथ में है। पॉलिसी मेकर्स मर्द हैं, जो ख़वातीन काम कर रही हैं चंद एक को छोड़ के, जो ज़्यादातर हैं वो आपको बिल्कुल उसी ख्यालात के मिलेंगी जो कि मर्दों ने उनको सिखाया है। मतलब जो मैं कह रही हूँ ना कि रोल में चेंज आ रहा है लेकिन तादाद बहुत कम है, और वो फिर जब तादाद इतनी कम होती है तो वो फिर डाइल्यूट हो जाता है वो सारा असर। तो इसमें जो वो घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं उनके ऊपर निस्बतन मीडिया का ज़रा ज़्यादा असर होना चाहिए, जो कि अफोर्ड कर सकती हैं रेडियो या जो कुछ भी, लेकिन फिर भी वो अपने मर्द, क्योंकि वो औरों से फिर घर के अलावा बाहर के लोगों से कम मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो ऐसी ही ख़वातीन से मिलती हैं जो कि उसी नज़रिए की हैं, जो कि उस रोल को बहुत ही क्या कहना चाहिए, खुशदिली के साथ कबूल किया हुआ है जिसे उन्होंने, तो वो परपेचुएट होता रहता है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि मर्द हमेशा बुरी बात कह रहा है और औरत हमेशा अच्छी बात कह रही है। मुझे ऐसी बहुत सारी ख़वातीन मिल रही हैं जो कि बहुत ही जेंडर बायस्ड रोल्स के हक़ में हैं, और आपको बहुत सारे मर्द ऐसे नज़र आ जाते हैं जो कि बहुत ही जेंडर फ्रेंडली हैं। तो लेकिन मेजॉरिटी ये है, और मैं समझती हूँ कि अगर हमारी तादाद बढ़ती चली जाए औरतों की, और उनको एक अच्छी तरह एजुकेट किया जाए, उनके एटीट्यूड्स में चेंज लाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ मर्दों के एटीट्यूड में भी, क्योंकि औरत के ऊपर सिर्फ मीडिया नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका जो सिग्निफिकेंट मर्द है, चाहे वो मियाँ है, बाप है, बेटा है, भाई है, वो सब भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या औरतों पर मीडिया का असर मर्दों की निस्बत ज़्यादा है? उनके ऊपर दूसरे इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा हैं, दूसरे एक्सपोजर ज़्यादा हैं, चाहे वो जॉब पे हों, चाहे पीयर ग्रुप के हों, तो वो फिर डाइल्यूट हो जाता है वहाँ पे, वो इतना कंसंट्रेट नहीं करते हैं उसके ऊपर, वो डाइल्यूट हो जाता है। प्रिंट मीडिया है, बाकी दूसरे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेरे ख्याल में, ज़ाती मेरा ख्याल है, थोड़ा बहुत जो रिसर्च की है उसके हवाले से भी लगता है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होती हैं मीडिया से। थैंक यू भाई। चूँकि मीडिया आइडेंटिफिकेशन और नफ्सियाती ग्रेटिफिकेशन या तस्कीन हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, इसलिए ख़वातीन के दिखाए जाने वाले इमेजेस से ये खातिर ख्वाह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ज़राए इस्तेमाल करके माशरे में किस किस्म के असरात मुरतब किए जा रहे हैं या माशा इन पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। मीडिया में औरत की हैसियत एक एग्जिबिशनिस्ट सेक्स बनकर रह गई है। आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं। आज वफाकी वज़ीरे तालीम ने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का दौरा किया और इसके मुख्तलिफ शोबे देखे। वज़ीरे आज़म पाकिस्तान ने आज सनअती नुमाइश की इफ्तिताहिया तकरीब से खिताब करते हुए ऐसी तकरीबात के मज़ीद इनाकात की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही आज का खबरनामा ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जनाब, आप कल जो है ना फ़ोन करके पता करें, ठीक कल आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू। आपका ऑडिशन ज़बरदस्त हुआ है, आप कल से जो है ना शुरू हो जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन सर मेरी फाइल वगैरह तो आप चेक कर लें। नहीं, फाइल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की। जी, आपका ऑडिशन सही हो गया, आप कल से जाना। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी शुक्रिया। इस मिसाल में हमने माशरे का एक और रवैया देखा है कि औरत को इसकी सलाहियत की बिना पर नहीं बल्कि महज औरत होने की वजह से किसी मखसूस काम के लिए तरजीह दी जाती है। आज के जदीद दौर में औरत की किसी काम में शमूलियत इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है और मीडिया इस सोच को प्रमोट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। अब ट्रेंड्स में कुछ तब्दीली आ रही है। अब एक बेचारी औरत के साथ साथ औरत बहैसियत इंसान जो कि मर्दों के शाना बशाना चलने के अलावा मद्दे मुकाबल की हैसियत से भी प्रोजेक्ट की जा रही है।
आज मीडिया की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अखबार, रसाले और सबसे बढ़कर रेडियो और टेलीविज़न की पहुंच बहुत दूर तक रसाई हासिल कर चुकी है। टेलीविज़न ने अगर आज थर्ड पेरेंट की हैसियत इख्तियार कर ली है तो फिर सोचने की बात यह है कि इसका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा होगा। टीवी हमारी सोच और हमारी अप्रोच को मोल्ड कर रहा है। ख़वातीन की जानिब माशरे में लाए जाने वाली मुस्बत तब्दीली से लेकर माशरती इम्तियाज को बरकरार रखने में भी मीडिया का हाथ है। ये महज एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं बल्कि हमारी रिवायात और इकदार को बरकरार रखने और इनमें पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाने का भी ज़रिया बन सकता है। पाकिस्तानी मीडिया औरत को मखसूस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि नई नस्ल को जूं का तू स्टीरियोटाइप्स बरकरार रखने में इमदाद फराहम करता है। मसलन बेसहारा माशी तौर पर डिपेंडेंट जो कि सहारे की तलाश में हो, ख्वातीन पोर्ट्रे की जाती हैं। जब मैं रुखसत हुई तो अम्मा भी ने कहा कि औरत एक कूजा होती है, दरिया जितना गम समा लेती है। मैंने तो सारी जिंदगी गम समेटते हुए गुजारी है। जब भी रोने को जोर जोर से जी चाहा, लोगों को मदद के लिए पुकारना चाहा, जब भी अम्मा जान सामने दीवार बन के खड़ी हो गई। ख़वातीन की नॉलेज ग्लोबल या प्रोफेशनल इश्यूज़ के बारे में ना होने के बराबर कवरेज पाती हैं, जबकि वालदैन पर बोझ शादी की ख्वाह लड़की या एक बेचारी माँ की हैसियत से ख़वातीन को प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन आपने हमारी एक्सपर्ट की राय भी सुनी कि अब तब्दीली तेज़ी से आ रही है, जिसके मुस्बत और मनफी दोनों असरात रोनुमा हो रहे हैं। अलबत्ता मीडिया ख़वातीन की इमेज में तेज़ी से तब्दीली ला रहा है। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।